हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरसीसी पूनम गुप्ता पे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और 14। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 13 और 14 बहुत अच्छे से शुरू से लास्ट तक समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में 100% आते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन में है आपका, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ऐसी कौन सी तीन संख्या से स्टार्ट नंबर है जो 7 से डिवाइड होते हैं। तीन नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 100 से। तो 100 से स्टार्ट करने के बाद आपको वो डिजिट लिखनी है जो 7 से पूरी पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। हमने लिख दी 105, 112, 119। एपी आपको खुद बनानी है, ठीक है। बच्चे कहेंगे कि एपी तो आप बना लेंगे, लेकिन किस प्रकार से सॉल्व? तो तभी हो पाएगा ना जब पता चलेगा। तो तीन डिजिट की देखो, यहां से हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। रबर 100 होता है, 101 थ्री डिजिट तो यहीं से स्टार्ट होती है, तो टू डिजिट होती है, इसको तो लेंगे नहीं, ठीक है। थ्री डिजिट से ही स्टार्ट करना है। तो 102, 103, 104, 105 सबसे पहली यही डिजिट है जो 7 से डिवाइडेड है, कंप्लीटली डिवाइडेड है। अदरवाइज किसी ना किसी में कुछ शेष बचेगा तो वो नहीं लेंगे। तो हम 7 से जब इसको लिखेंगे तो सबसे पहली डिजिट ही हमने 105 लिखी। ये तीनों डिजिट 7 से पूरी तरह से भाग नहीं हो सकती, इसलिए 105 लिया फर्स्ट डिजिट। इसी में आप 7 प्लस कर देंगे तो 12 आ जाएगा, इसी में 7 प्लस कर देंगे 19 आ जाएगा। बट लास्ट आपकी जो है वो भी तो निकालनी पड़ेगी, तीन डिजिट कौन सी है। तो हम उस क्वेश्चन के लिए पूरी काउंटिंग तो लिखेंगे नहीं, 100 से लेके 1000 तक। 1000 जो होती है वो आपकी 4 डिजिट होती है, तो इसको तो आप लेंगे नहीं। लेकिन इसके ऊपर जो डिजिट लिखी होती है वो ये होती है। आपको बैक काउंटिंग करके थोड़ा सा बस ये ध्यान करना है कि इसमें से कौन सी ऐसी डिजिट है जो आपकी पूरी पूरी तरह से किससे डिवाइड हो जाए, 7 से। हमने इसी डिवाइड किया 7 से, तो ये भी आपका कुछ शेषफल बचता है। ये भी करते करते लास्ट जब आपका 994 आ जाता है, आप उसी को लास्ट को एक्सेप्ट करेंगे, वो आपने यहां लिखा। क्लियर? तो अब इजी हो जाएगा कि आप एपी बनाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, कि हमें कोई सी भी ऐसी टर्म दी जाएगी, ऐसी काउंटिंग दी जाएगी जिससे हम एपी इजीली बना सकते हैं। यानी हम 2 को नहीं लेंगे, 2 डिजिट को नहीं लेंगे, 4 डिजिट को नहीं लेंगे, इसके बीच 3 डिजिट जहां भी होती है तो फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन लिख करके आप एपी इजिली बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर? चलिए, अब तो क्वेश्चन ईजी हो गया। ए आपने लिखा 105, डी आपको पता ही है कि डिफरेंस कितना आएगा, 7 ही आएगा, क्योंकि 7 7 को प्लस करके ही डिजिट हमने बनाई थी। शुरू की 3 तो हमारी 7 7 की हो सकती है, लेकिन लास्ट के लिए ये रफ वर्क आपको करना कंपलसरी है। क्लियर? अब आपको ए एन का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन आपने किया, आपकी ए प्लस एन माइनस 1 और डी है, तो ए की जगह ए की वैल्यू लिखेंगे, डी की जगह डी की वैल्यू लिखेंगे। ए एन आपके पास गिवन है, कितना? 994 है आपके पास, ठीक है। अगर 994 ए एन होता है तो इस फॉर्मूले को नीचे लिख लेते हैं तो ज्यादा इजी रहेगा। उससे एन आपको निकालना यही आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। 994 हम इसकी जगह भी 994 लिख देते हैं, क्योंकि ए एन तो आपके पास गिवन है। यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो चेंज करने में, एक्सचेंज करने में, लेफ्ट को राइट या राइट को लेफ्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे ही करेंगे, ए एन इज इक्वल टू 994। अब ए की जगह ए की वैल्यू लिख देंगे आप, 105 प्लस एन तो मुझे निकालना है, डी हमारा कितना है, 7। क्लियर? जो 105 प्लस हो रहा था वो पीछे जाकर के पहले माइनस हो जाएगा। आपने क्या कर दिया, प्लस के डिजिट को ले जा करके पीछे कर दिया आपने माइनस। तो माइनस करने पर आपका आंसर ये आ गया। जो 7 इससे मल्टीपल होता पूरी डिजिट से, उसको मल्टीपल ना करके इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा डिवाइड करने पर 127। आपने इसको इससे कैंसिल किया तो कैंसिल करने पर आपका आंसर आया ये। क्लियर? अब एन के साथ जो माइनस 1 है वो पीछे जाके क्या हो जाएगा, प्लस 1। आपका क्या हो जाएगा, वो प्लस 1।
तो आपका n कितना आ गया 128। तो n जो आपसे पूछा था विषम, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से डिवाइड हो सकती हैं, भाग हो सकती हैं, तो वो 128 संख्या हैं जो 100 से चालू होगी और 100 से चालू होगी 999 के बीच में 128 ऐसी डिजिट है जो कंपलसरी पूरी तरह से 7 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसको अच्छे से देखें। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में, इसमें भी सेम वही पैटर्न है जो 13 क्वेश्चन में था। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, यानी 10 और 250, 10 से लेके 250 तक के बीच में जितने भी 4 के मल्टीपल मींस 4 के गुणज है, आप उनसे पहले एपी बना लीजिए फिर आंसर को सॉल्व करें। ठीक है, ऐसी कितनी टर्म है जो 4 से मल्टीपल हो सकती है, किसके बीच, 10 से लेकर के 250। तो हमारी 10 से हमने काउंटिंग स्टार्ट कर दी, हमें पता चल जाएगा कि हम किस तरीके से 4 के मल्टीपल निकाल सकते हैं। देखिए 10 तो होगा नहीं 4 से मल्टीपल पूरा, 11 भी नहीं होगा, तो क्या होगा 12 होगा। सबसे पहली डिजिट ही आपने 12 को लिख लिया और यहां लिख दिया 12। फिर 12 में 4 प्लस किया 16, 16 में 4 प्लस किया 20। तो 3 डिजिट तो स्टार्टिंग के ले लेते हैं, अब लास्ट की लिखेंगे, हमें पूरी काउंटिंग लिखने की जरूरत नहीं है। हमें 10 से 250 बिटवीन बोला गया, तो मैंने 10 से स्टार्ट किया, 250 आपका यहां, आपने इस तरीके से बैक काउंटिंग लिखी। ये अगर 4 से हम इसको कैंसिल करते हैं तो हमारा शेष फल आएगा, इसलिए उसको नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं होगा पूरा, लेकिन ये हो जाएगा 4 से मल्टीपल पूरी तरीके से। देखिए 248 है ना, 4 से करेंगे 62, पूरा पूरा चला गया। अगर पूरा चला जाएगा तो वही आपका लास्ट है। क्लियर, अब इसमें ए और ए एन का पता चलेगा, ए आपका है 12, डी आपका है 4 और ए एन आपका है 248। एन निकालना है यानी आपको टर्म्स बतानी है, ऐसी कितनी टर्म्स है जो 10 से चालू होंगी और 250 पे खत्म होंगी, इसके बीच में कितने 4 से मल्टीपल डिजिट है। क्लियर, चलिए ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन आपके पास गिवन है, उस समय आप यहां ऐसे लिखेंगे, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 248। ए की जगह ए की वैल्यू लिख देंगे आप 12, प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह डी की वैल्यू लिख दी 4। वही प्रोसेस, जो डिजिट पहले प्लस होती है आप उसी को पहले माइनस करेंगे। ट्वेल्व आपका प्लस था, इधर जाकर के माइनस हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से समझ के काम करें और प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि क्वेश्चन कंपलसरी आते ही हैं। आपने 248 में से 12 को माइनस किया तो आपका आंसर आ गया 236। क्लियर, n माइनस 1, जो n माइनस 1 के संग 4 मल्टीपल हो रहा था इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि रूल तो यही कहता है जो प्लस होते हैं वो पीछे जाके माइनस हो जाते हैं, जो मल्टीपल होते हैं वो पीछे जाके डिवाइड हो जाते हैं। चलिए डिवाइड करेंगे, 4 के टेबल में 23 तो आता नहीं, तो हम इसे कैंसिल करेंगे। ठीक है, हमने इसको कर दिया इस तरीके से, 4 पंजे 20 कर दिया, 3 हमने इसको दे दिया, 4 9 जा 36, 59। अब n आपका माइनस 1 के साथ था, तो जब वो पीछे जाकर 59 में 1 क्या हो जाएगा प्लस, तो n की डिजिट आपकी कितनी आ गई 60। यही आपको निकालना था विषम, यानी कितनी ऐसी संख्या है जो 4 से मल्टीपल हो जाएंगी, तो आपने बता दिया कि n हमारा 60, ऐसी 60 काउंटिंग है जो इनके बीच में 10 से चालू होगी 250 पे खत्म होगी, तो बीच में 60 नंबर्स ऐसे हैं जो 4 से मल्टीपल होंगे ही होंगे। क्लियर, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, आप अच्छे से प्रैक्टिस करें इसकी, और जिन बच्चों ने फर्स्ट टाइम वीडियो को देखा है वो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, बाय।